नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया तक और मैं आपके साथ संजना चौरसिया। तो आज जुड़ चुकी है हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता। तो आज इनसे पूछताछ करेंगे कि महिलाओं के सम्मान के लिए क्या किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। आपका शुभ नाम? संजना चौरसिया। संजना जी, संजना जी आप क्या जानना चाह रही हैं? मैं सबसे पहले तो ये जानना चाह रही हूँ, जो आप लोगों ने संगठन, जो आप लोगों ने महिलाओं के सम्मान के लिए किया, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं उपलब्ध? देखिए, हमारे सम्मान के लिए सबसे पहले तो बहनों को गुंडों से मुक्त कराया गया। कौन से गुंडों से? जो पहले थे अखिलेश के, जो गुंडे पाले हुए थे, जो मायावती के गुंडे पाले हुए अच्छा। थे। हमारी किसी माँ की बेटी बहन कॉलेज में या स्कूल में या नौकरी पे जाती थी, वो चिंता से भरपूर बैठी होती थी अच्छा। कि पता नहीं मेरी बेटी, मेरा बच्चा सही सलामत आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। वो उनको सुरक्षा दी, जिसको हम कानून व्यवस्था कहेंगे। आज कानून व्यवस्था है, पहले आपका बलात्कार भी किसी बहन का जिसका होता था, उनको मार दिया जाता था या धमकी दी जाती थी, FIR दर्ज नहीं होती थी। आज हमारी बहनें जाकर FIR दर्ज कराती हैं अच्छा। कोई सरकारी मुलाजिम, चाहे वो पुलिस पदाधिकारी, कोई भी पदाधिकारी है, आज वो अगर कोई घुसखोरी खाता है तो उसको सस्पेंड किया जाता है अच्छा। तुरंत एक्शन लिया जाता है। हमारी बहनें सुरक्षित हैं, ताले के अंदर रहती थी, आज उनके ताले खुले हुए हैं अच्छा। श्री राम लल्ला जी को दिया अच्छा। श्री राम लल्ला जी को दिया, सीता माँ को सम्मान दिया अच्छा। सीता माँ को सम्मान दिया तो हम बहनों को सम्मान मिला अच्छा। फिर हम बहनों को जो शौचालय, शौचालय जो हमारे पास, हमारी बहनें बाहर जाती थी, चिंता भी होती थी, बीमारियां भी होती थी कि आप वहीं से वहीं मौसमियाँ जिसके लिए जाती थी, हमारे शौचालय जो दिए गए हैं 2,61,000 उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी जी की सरकार ने आपको दिया है अच्छा। उत्तर प्रदेश को हमारे सब्सिडी में आता है गैस जो कनेक्शन है। हमारी बहनें चूल्हा जलाती थी, फूक मारती रहती थी, आंखें फूटी रहती थी, दमे की बीमारी होती थी, फेफड़ों में बीमारी अच्छा। हो जाती थी, वो दिया है 1,67,00,000 अच्छा। 1,67,00,000 चूल्हा गैस इनको अच्छा। एक बात बताइए, आप जिस सुरक्षा की बात कर रहे हैं उसमें अब भी जो आपकी सरकार चल रही है उसके बीच भी जनता ये कहती है कि जो सबसे ज़्यादा गुंडाराज चलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, एक मिनट सुनिएगा पूरी बात। और दूसरी बात रही सब्सिडी की, राशन, फ्री राशन की, तो ये कहते हैं वो तो हमारी जेब काट के ही हमें दे रहे हैं। सुनिए, किसकी जेब काटी गई? गुंडे को गुंडा ही दिखेगा ना अच्छा। जो गुंडे हैं वो हाँ। बोलते हैं, हमारे ये बहनें खड़ी हैं तो जनता गुंडे हैं, जनता गुंडे हैं। नहीं, जनता नहीं बोल रही, जनता नहीं बोला, जनता में वो अपने गुंडों को खड़ा करते हैं अच्छा, हमारे बीच में खड़ा कर देते हैं। आप देखिए ना, उन्होंने गुंडे का काम नहीं किया क्या? कैसे? एक अध्यापक पढ़ाने जाती है, उसको उगवा करके रेप किया जाता है अच्छा। मार दिया जाता है, कहाँ उनकी आवाज उठती थी, कहाँ है भाई आरती अच्छा। आपने इतना ही नहीं, आपने उग्रवादी दे दिए थे उत्तर प्रदेश को। आज आप हमारा मुख्यमंत्री देखिए, योगी जी एक दमखम के साथ मंच पर कहते हैं मीडिया के सामने कि जो गुंडा है वो गोली खाएगा, नहीं तो वो जेल जाएगा अच्छा। नहीं तो वो उत्तर प्रदेश से बाहर जाएगा। मतलब जैसे वो बार बार गाड़ी पलटती है। नहीं, आपके सामने है अच्छा। आप देखिए ना, गुंडे नहीं तो दो चार दिन पहले आपने देखा कि इनका पैसा जो कमाया हुआ है, गुंडों के लिए कमाया हुआ, जो जमीन मैं कह रही हूँ, कैसे दीवारों में चना हुआ मिल रहा है अच्छा, दीवारों में तो चुना हुआ मिल रहा है। लेकिन वो तो ये बोल रहे हैं ना कि अभी जैसे चुनाव करीब है तो सब कुछ ही बीजेपी का किया धरा है। बीजेपी का हाँ, वो ये कह रहे हैं, उनका स्टेटमेंट है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी को पूरा देश नहीं, पूरे विश्व में हमारे प्रधानमंत्री जी का हाथ खड़ा करके वहाँ के प्रधानमंत्री गौरव से ये कहते हैं, हम भारत के नेता के साथ। कोई विश्व गुरु ऐसे ही नहीं बन जाता, 70 साल से ये कहाँ थे ये लोग अच्छा। आज योगी जी ने जो दिया है उसको कम से कम कोवैक्सीन का पूछिए इन गुंडों से जाकर कि कोवैक्सीन जो किया हमारे नेता से लेके कार्यकर्ता से लेके अपने प्राणों की चिंता न करते हुए सड़क पर थी, भोजन की जगह भोजन दिया जा रहा था, बहनों ने मास्क बनाए, मास्क दिया गया, सैनिटाइजर दिया गया, जिनको राशन की जरूरत थी राशन दिया गया, भोजन की जरूरत थी फल की जरूरत थी, कहाँ थे ये लोग? उनसे पूछिए ना कि कहाँ थी जनता अच्छा। तो अब की बार किसकी सरकार? योगी सरकार बारंबार योगी सरकार या भारतीय जनता पार्टी सरकार? पहले दोनों में अंतर बताइए, योगी सरकार या भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी। तो जैसा कि आप लोगों ने इनसे सुना कि योगी सरकार तो है ही, साथ ही भारतीय जनता पार्टी है, और ये महिला सुरक्षा लोग घर घर तक पहुंचाएंगे और बहु बेटियों को सम्मानित और सम्मान और सुरक्षा पूरी देंगे।